नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इसी YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जैसे कि आप सभी जानते हैं PAT के एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट डलने लगे हैं। अगर आप यहां पर अप्लाई करना चाहते हो तो पहले क्या होता था कि PEB की जो प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट हुआ करती थी MP ऑनलाइन के थ्रू, वहां से इसके फॉर्म अप्लाई किए जाते थे। लेकिन अब साइट बदल दी गई है और पूरी प्रक्रिया भी बदल दी गई है। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी नई प्रक्रिया मिलेगी। अगर आपका प्रोफाइल है PEB का तब भी आप फॉर्म नहीं डाल पाओगे, आपको एक नई प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। अगर आप पूरी प्रोसेस जानना चाहते हैं तो दोस्तों बने रहिए आज की हमारे इस वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से संबंधित वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पर आप PEB डाले देता हूँ, ठीक है ना। ओनली आपको PEB गूगल पर सर्च कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही गूगल पर PEB लिखकर सर्च करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट लिंक को आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप फर्स्ट लिंक ओपन करोगे तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर आप जिस भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना चाहते हो उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट की लेता हूँ। इंग्लिश सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जैसे की बात हो रही थी PET एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट की, नीचे से ऊपर की तरफ आपको ऑनलाइन फॉर्म प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2019 का एक रेड कलर से लिखी लाइन दिखेगी। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक किए देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपको आप फॉर्म किस तरीके से भरना है, सबसे पहले तो उस चीज को समझ लीजिए। अभी यहाँ पर केवल एक ही टेस्ट हो रहा है, इसमें एक ही एंट्रेंस टेस्ट भरवाया जा रहा है इस वेबसाइट से। तो यहाँ पर प्रवेश परीक्षा में एक ही कॉलम आ रहा है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट PET 2019, यहाँ पर इसकी लास्ट डेट 13/6/2019 रखी गई है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा ऊपर की तरफ आपको आना है तो देखिए यहाँ पर आपको लॉगिन लिखा दिखेगा। लॉगिन की तरफ सबसे नीचे जाइएगा तो यहाँ पर नवीन यूजर पंजीकरण। दोस्तों यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट हो यहाँ पर नवीन पंजीकरण आपको करना ही होगा। अगर आपकी प्रोफाइल जो PEB की प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड की प्रोफाइल थी, अगर आपकी ऑलरेडी बनी है तब भी वो प्रोफाइल आपकी कुछ काम नहीं आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर नई प्रोफाइल आपको बनानी होगी। देखिए यहाँ पर नवीन यूजर पंजीकरण पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है और यहाँ पर पिक्चर कोड डाल देना है, ठीक है ना। पिक्चर कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको राइट टिक कर देना है और आधार OTP निर्माण करें पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल में OTP आएगा। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं डला है तो आप यहाँ पर बायोमेट्रिक का सहारा ले सकते हो। इसके बाद जैसे ही आप OTP वगैरह डालोगे तो आपको नई यूजर ID और नया पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक ना। क्रिएट करने के बाद आपको वापस उसी पेज पर पहुंच जाना है। ID पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाएगा, यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको यूजर आईडी डालना है जो भी आपने यूजर आईडी बनाया हो। यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है जो भी आपने पासवर्ड बनाया हो। यहाँ पर पिक्चर आईडी और लॉगिन कर लेना है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बनाकर रख लिया था अपना यूजर आईडी और पासवर्ड, तो यहाँ पर मैं वो वाली प्रोसेस आपको नहीं बता सकूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन किए लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर लॉगिन करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर मैं इस बटन पर क्लिक किए देता हूँ, प्रवेश परीक्षा आवेदन, ठीक है ना। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोबारा से वही इंटरफेस आ जाएगा, लेकिन जो प्रवेश परीक्षा नियम लिखा आ रहा था वो हट जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस पर ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पर आप प्रोफाइल बनाएं, अपडेट करें, प्रोफाइल देखें और प्रिंट करें, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करें। दोस्तों यहाँ पर जब तक आपकी प्रोफाइल पूरी नहीं बनेगी तब तक आप ऑनलाइन आवेदन के बटन को यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको प्रोफाइल बनाए अपडेट करें बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर सारे स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सारे स्टेप कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर लास्ट में आपको सेव बटन का ऑप्शन आएगा, तो सेव कर लीजिएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जैसे ही आपके एक एक करके जितने स्टेप कंप्लीट होते जाएंगे वो स्टेप ग्रीन कलर से शो होने लगेंगे, ठीक है ना। अगर स्टेप कंप्लीट नहीं होते हैं तो वो रेड कलर से शो करेंगे और आपका पेज सेव नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर उम्मीद करूंगा कि आपको इन स्टेपों को कंप्लीट करने में मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़ती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं यहाँ पर बारीकी से बता दूंगा कैसे क्या स्टेप है। अगर मैं अभी बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा,
इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप फाइनली अपना फॉर्म आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि पीईटी एग्जाम के लिए यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म किस तरीके से भरना है, और उम्मीद करूंगा कि आप सरलता पूर्वक इस फॉर्म को भर सकोगे। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, आगे चलकर जितने भी पीबी के माध्यम से एग्जाम फॉर्म निकलने वाले हैं, चाहे वो पुलिस हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो, सारे के सारे फॉर्म यहीं से भरेंगे, इसी प्रक्रिया से भरेंगे। तो आप यहां पर अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लें और प्रोफाइल कंप्लीट कर ही रखें, ताकि आपको बाद में कठिनाई ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ आ ही गया होगा कि किस तरीके से यहां पर फॉर्म भरना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।